नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शेफ निकिता और आज मैं आपको बताऊँगी कैसे आप बूंदी घर पे बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ये एकदम बाज़ार के जैसे बन के तैयार होती है, इसके अंदर पूरा रस भरा हुआ है और बाहर से वो उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये एकदम प्रसाद के लिए परफेक्ट, अगर आपको प्रसाद बनाना है या बूंदी खाने का मन हो रहा है या कुछ भी मीठा बनाने का मन हो रहा है तो ये एकदम तुरंत बन जाता है। और इसके लिए आपको बूंदी वाली चलने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे घर के कलछुल से ही बनाऊंगी जिससे हम पकौड़ियाँ छानते हैं। सो गाइस, सबसे पहले एक बड़ा सा बोल लेंगे और उसमें हम लेंगे एक कप बेसन और इसमें हम डालेंगे पानी और गाढ़ा सा घोल बना के तैयार कर लेंगे। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, वरना आपको मेरी रेसिपीज़ की अपडेट्स नहीं मिल पाएगी। सो, ये गाढ़ा घोल बनके तैयार है। अब इसके अंदर हम डालेंगे केसर रंग और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बहुत ज़रूरी है डालना, अगर आप बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे तो आपकी बूंदी परफेक्ट नहीं बनेगी। उसके बाद हम एक पकौड़ी छानने वाली कलछुल लेंगे और उसके ऊपर डालेंगे एक चम्मच बैटर और इसे इस तरीके से राउंड राउंड करेंगे और आप देख सकते हैं नीचे गोल गोल बूंदी हमारी गिर रही है और एकदम अनोखी बूंदी बनके तैयार हो रही है। गाइस, आपको इसी तरीके से अच्छी तरीके से बेसन को तेल में डालना है और तेल का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम मतलब नॉर्मल गर्म होना चाहिए और मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए। और इसी तरीके से हम बहुत सारा बैटर बनाते जाएंगे और उसे हम थोड़ी देर तक तेल में सेक जाने देंगे और फिर हम एक छलनी की मदद से इसे बाहर निकाल लेंगे। गाइस, आप देख सकते हैं कि बूंदी बहुत ही खिले खिले बन के तैयार हुई है। हो सकता है कि कुछ बूंदी जो है वो सट जाए जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल ही नॉर्मल है क्योंकि आप इसमें बूंदी वाली कलछू यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए मैंने 3 कप चीनी और 1 कप पानी लिया है और इसमें अच्छे से गाढ़ा हो जाने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ लड्डू केसर रंग, जिसके वजह से रंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और बूंदी का जो रंग है वो बिल्कुल बाजार के जैसे रहेगा। और ये चाशनी जब एक तार की बन जाए उसके बाद इसमें हम नींबू का रस डाल देंगे। अगर आप नींबू का रस नहीं डालेंगे तो आपकी जो चाशनी है वो बहुत ही चपचपी बनेगी, अगर आप नींबू का रस डाल देंगे तो वो क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा और आपकी बूंदी बहुत ही खिली खिली बनके तैयार होगी। उसके बाद आप सारी की सारी बूंदी इस चाशनी में मिला दें और इसके बाद इसमें आप डाल दें खरबूजा का बीज। अगर आपके पास ये बीज नहीं है तो आप मेवा डाल सकते हैं या फिर इसे बिना किसी बीज या मेवा के साथ ऐसे ही खा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपके पास ग्रीन और रेड कलर है तो थोड़ी सी बूंदी रेड कलर, थोड़ी सी ग्रीन और इस तरीके से मिक्स करके कलरफुल बूंदी भी बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, बहुत ही अमेजिंग है। गाइज, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी और अगर आपने इसे ट्राई किया तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन, वीडियो को लाइक, नीचे कमेंट करना ना भूलिए। बाय बाय।